सब्सक्राइब करें होम कैफो गार्डन चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए फ्यूचर नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ नर्सरी से जो सीडलिंग्स लेके आया हूँ उनको ट्रांसप्लांट करना बताऊँगा कि किससे आप अच्छी तरह इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो कि ये इनका जो सक्सेस रेट है वो अच्छा और ये ख़राब नहीं हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये चार सीडलिंग्स जो हैं ये पिटूनिया के हैं और काफ़ी अच्छे हुए सीडलिंग्स मिले हैं मुझे, और ये मुझे 10 रुपीज़ का एक सीडलिंग पड़ा। तो ये सीडलिंग ट्रे में लगे हुए थे और इनके रूट्स के पास ये जो रूट हैं, ये जड़ जो हैं, ये रिंग के अंदर कवर्ड हैं। तो उन्होंने मुझे इन रिंग्स के साथ ये दिए हैं, तो ये चार हैं। तो चार पिटूनिया के प्लांट्स हैं और 10-10 रुपए का एक प्लांट है। जितनी भी सीडलिंग है ये 10 रुपए में एक पौध है। तो ये देख सकते हैं, ये डायंथस के हैं और ये बीच में सेल्विया है फ्रेंड्स ये, और ये वर्बीना की सीडलिंग्स हैं, ये वर्बीना है, और फिर इधर ये गजानिया की सीडलिंग्स हैं। तो मैं मिक्स्ड करके लेके आया हूँ फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े सीडलिंग्स, 10 रुपीज़ ईच ये मुझे पड़ा। तो आप अगर सीड से ग्रो करते हैं और आपको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, आप सीड से जर्मिनेशन जो है वो अच्छी रेट का नहीं ले पाते हैं, तो आप सीडलिंग्स भी ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स, पोर्ट नहीं है कोई भी लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पास की नर्सरी में आया हुआ हूँ और यहाँ देख सकते हैं आपकी ये पोर्ट्स बना के रखते हैं बेचने के लिए। ये नर्सरी जो है फ्रेंड्स, ये राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में है, इसका नाम है चमन नर्सरी। तो अगर आप लेना चाहें कोई प्लांट्स वगैरह, अगर आप इस एरिया के नियर बाय रहते हैं, तो आप इन लोग से आके ले सकते हैं। इनके पास काफ़ी सारे तरह के पोर्ट्स हैं और इनसे आप पोर्ट्स ख़रीद सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और प्लांट्स की भी सब तरह की इंडोर आउटडोर की वैरायटी आपको मिल जाएगी। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत पोर्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे प्लांट्स इतने बड़े नहीं हैं, तो मैं इनके लिए अभी इतना बड़े पोर्ट्स नहीं लूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं इनके लिए इस तरह के, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक कलर के जो पोर्ट हैं ये लेके आया हूँ। तो ये पिटूनिया की सीडलिंग्स हैं और ये मेरी मिक्स डायंथस सेल्विया पेंजी की सीडलिंग्स हैं। तो ये मैं फ्रेंड्स इस तरह के पोर्ट ख़रीद के लाया हूँ, ये मुझे सीडलिंग के लिए बेस्ट लगे। और ये 5 to 6 रुपीज़ का आपको एक मिल जाएगा मार्केट में, होल इसमें एक है फ्रेंड्स, बाकी आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही होल रखूँगा क्योंकि इसमें फिर मिट्टी बहने का ख़तरा रहता है, तो सिर्फ एक होल जो है वो काफ़ी है। ये जो फ्रेंड्स मैंने मीडियम लिया है ग्रो करने के लिए, इसमें मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, 40% कंपोस्ट ली है, और इसमें 20% मैंने रेत मिलाया है। रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं वो इन सीडलिंग्स को कोकोपीट में लगा के रखते हैं, तो अगर आप किसी हार्ड मटेरियल में इन्हें लगाएंगे तो ये चल नहीं पाएंगे सीडलिंग्स। तो कोकोपीट की तरह मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें रेत मिलाते हैं, जिससे मिट्टी सॉफ्ट और पोरस हो जाती है। तो मैं सबसे पहले ये पिटूनिया की सीडलिंग लगाऊंगा। मैंने इसको पोट को फिल कर लिया है और इस तरह सेंटर में आप रखेंगे। सेंटर में इसलिए रखेंगे फ्रेंड्स कि जिससे कि ओवरऑल सारी तरफ से रूट्स डेवलपमेंट अच्छी तरह हो। अगर आप कॉर्नर में लगा देंगे तो फिर जो है प्लांट की एक साइड से जो है रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो करने के लिए रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए और हर तरफ से रूट अच्छी तरह बढ़नी चाहिए। फिल कर लेंगे इसे अच्छी तरह से पॉटिंग मिक्स से और हल्का सा इसे इस तरह से हिलाएंगे जिससे कि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं, और फिर इसको फ्रेंड्स हम एक बार फ्लोर पे टैप करेंगे। तो हमारे जितने भी एयर पॉकेट्स हैं या बबल्स हैं, एयर बबल्स जो मिट्टी के अंदर हैं, वो एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि पिटूनिया ट्रांसप्लांट हो चुका है। इसी तरह फ्रेंड्स मैंने ये चारों पिटूनिया ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। अब बाकी हम और सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे सीडलिंग्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमें फ्रेंड्स करना है वो ये है कि हमें इन्हें वाटरिंग करनी है। एक ये जो थी मेरी फ्रेंड्स, ये सीडलिंग रह गई है, मैं इसे बड़े पॉट में या कोई दूसरे पॉट में लगा देता हूँ। मेरे पास जितने पॉट्स थे वो सब मेरे स्मॉल सीडलिंग पॉट्स जो है वो इन सीडलिंग्स में खर्च हो गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, हमें इसे वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के लिए आप हैंड से, ग्लास से या किसी भी चीज़ से वाटर कर सकते हैं, या इस तरह से शावरिंग कैन से भी वाटर कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टली आपको देना है, जिससे कि ज़्यादा जो है मिट्टी वो उसमें गड्ढा ना हो मिट्टी के अंदर, या सीडलिंग अपनी जगह से बुरी तरह ना हिले। इस तरह से आपको इसे वाटरिंग करनी है। मैं देखिए बहुत आराम से इसको वाटर कर रहा हूँ कैन की मदद से, और इसी तरह आपको करना है। वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इनको आपको ऐसी जगह रखना है 2-3 दिन के लिए, जब तक कि ये ट्रांसप्लांट शॉक से उभर ना जाए। इनको धूप में आपको नहीं लाना है। तो ये वॉल है मेरे घर की, तो मैंने देखिए इधर गैलरी में इनको इस तरह रख दिया है धूप से बचाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट शॉक से जब ये उभर जाएंगे प्लांट से, ये इनकी पत्तियाँ फिर से हेल्दी हो जाएंगी, तो मैं इनको स्लोली धीरे धीरे धूप में वापस लाने लगूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह आप भी अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कीजिए और उनको मरने से बचाइए, और अच्छी तरह आपको जो है वो ग्रोथ रेट मिलेगा और सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।